हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी सेमेस्टर का यूट्यूब चैनल में। ठीक है, आज से हम लोग ना एक नया सीरीज स्टार्ट कर, नया सेशन, जिस सेशन में हम लोग आईटी सिस्टम को कवर करें। ठीक है ना, ये हम लोग आईटी सिस्टम में जो भी चीज़ बन सकता है इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर हम लोगों का जो MCQ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का PYQ, वो सब पूरा डिटेल्स हम लोग कवर करने वाले। ठीक है, और ये बिहार पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए है और ग्रुप बी वालों के लिए सेशन नंबर 1 है हम लोगों का। ठीक है, अच्छे से आप लोग कवर करते हुए चलिएगा, जो भी चीज़ें हम आपको बताएंगे ना वो आप अच्छे से कवर कर दिएगा, उसको अच्छे से याद करते हुए चलिएगा, सारा का सारा हम डिस्कशन करवा देंगे आपको। ठीक है, और ये आपका सिलेबस ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा भारी भी नहीं है, थोड़ा सा है कि कंप्यूटर वाला टर्म है, तो उन लोगों के साथ ये पेपर थोड़ा ज़्यादा समस्या पैदा करता है ना, जिनको ना कंप्यूटर से बिल्कुल भी नाता रिश्ता नहीं था पहले, लेकिन अब आपको कंप्यूटर के बिना कुछ नहीं होगा, यानी कंप्यूटर आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो वही है IT सिस्टम, मतलब कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब कंप्यूटर का भी पार्ट्स है इसमें, और बहुत सारा ऐसा चीज़ है कि जो मतलब कंप्यूटर से बाहर वाला चीज़ भी है, जैसे कंप्यूटर आपको ये भी नहीं सीखना है कि कंप्यूटर बनाना कैसे है, बनेगा कैसे, वो सब चीज़ें नहीं, वो कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है, कैसे सोशल मीडिया वर्क करती है, क्या साइट होता है, किसको वेबसाइट बोलते हैं, किसको हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, किसको होम पेज बोलते हैं, किसको कैसे डिजाइन होती है, HTML कैसे डिजाइन होती है, CSS कैसे डिजाइन होता है, क्या होता है, ये सब चीज़ें देखने को मिलेगा हम लोग। और आप लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट गूगल से तो कुछ भी सर्च करके और ढूंढ लेते हैं, तो वो सब कैसे आता है, कभी आपके दिमाग में आया, आपके पास कभी दिमाग वहाँ तक आप सोच पाए कि हम लोग कुछ भी तुरंत टाइप करते हैं, कुछ भी क्वेश्चंस, उधर से तुरंत रिजल्ट आ जाता है, बहुत सारा रिजल्ट आता है, ऐसा कैसे होता है। तो ये सब सवाल, एक नया नया सवाल है, तो वही सब सवाल को ढूंढने का कोशिश करेंगे हम लोग आईटी सिस्टम में, और साथ साथ केवल सवाल को ही नहीं ढूंढेंगे तो पता चले उसी में खो गए हैं, हम लोग को एग्जाम को भी ध्यान में रखते हुए काम करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करें सेशन को। तो आज का सेशन में सब्जेक्टिव भी कवर करवाएंगे और ऑब्जेक्टिव भी कवर करवाएंगे, और डिटेल से हम आपको समझाते हुए भी चलेंगे, जो भी ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे उसको भी डिटेल से समझाएंगे कि है क्या ये चीज़, क्या ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। डेली सेशन आप लोग अटेंड करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मेरा नाम है शुभम कुमार, आप लोग देख रहे हैं H2O स्टडी सेमेस्टर का यूट्यूब चैनल, जो एक H2O स्टडी का ही पार्ट है। यहाँ पे ओनली फॉर जो सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है, और इसका जो PDF होगा वो PDF आप लोगों को H2O स्टडी का जो मोबाइल एप्लीकेशन है वहाँ पे हम आप लोगों को अवेलेबल करवा देते हैं, तो वहाँ से भी आप PDF ले सकते हैं। तो बस इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं, आप लोग सभी लोग देखिए अच्छे से। तो देखिए आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे देखिएगा क्या, सो विच इज ओपनिंग स्क्रीन ऑफ ओपन ऑफिस। जैसे देखिए यहाँ पे एक नया वर्ड का इस्तेमाल किया गया, ओपन ऑफिस। आप लोग ना माइक्रोसॉफ्ट का नाम सुने होंगे, अगर कोई कोई जिनके पास कंप्यूटर होगा या जिनके पास लैपटॉप होगा ना, उनको पास उनको आइडिया होगा कि विंडोज 9 होती है, विंडोज 10 होती है, विंडोज 11 होती है, ये सब जो है माइक्रोसॉफ्ट का कंपनी, यानी माइक्रोसॉफ्ट खुद ही एक कंपनी है, वही ये सब चीज़ें बनाती है। विंडोज मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम, उसी तरह ओपन ऑफिस भी एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो देखिए अगर आप विंडोज, जैसे अभी हम जो आप अभी जो भी ये लेक्चर हम लोग बना रहे हैं, ये लेक्चर विंडोज में बन रही है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसी तरह से अगर आपके लैपटॉप होगी आपके पास ना, तो आप अपना लैपटॉप में देखिएगा कि विंडोज 10 इंस्टॉल होगा, विंडोज 11 इंस्टॉल होगा, तो वो क्या है, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज किसका, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो पूरा सिस्टम को, कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, वो किस कंपनी का, माइक्रोसॉफ्ट का। ठीक है, और जब आप उस ऑपरेटिंग सिस्टम को, यानी माइक्रोसॉफ्ट वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, जब उसको आप ओपन करिएगा ना, ओपन करने के बाद जो सामने स्क्रीन दिखता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं डेस्कटॉप
टॉप, ठीक है। उसी तरह से बोल रहा है कि अगर ओपन ऑफिस रहेगी मेरे को ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में, तो जब हम लोग उसको ओपन करेंगे तो वो जो सामने स्क्रीन पर दिखेगा उसको हम लोग क्या नाम देंगे, तो उसको क्या स्टार डेस्कटॉप के नाम से जानेंगे, स्टार सेंटर के नाम से जानेंगे, स्टार स्क्रीन के नाम से जानेंगे, या फिर स्टार विंडोज के नाम से जानेंगे, किस रूप में हम लोग उसको जानेंगे ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो देखिए आपको बताते चले कि ये देखिए ये जो सिंबल है ना, ये सिंबल देखिएगा विंडोज का है, अब माइक्रोसॉफ्ट का, माइक्रोसॉफ्ट का ना अलग अलग चीजें आती है, बहुत सारी चीजें आता है। तो जैसे देखिए ये आपका ना ये वाला अगर फॉर्मेट देखिएगा तो ये देखिए ये जो है ना माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का सिंबल है, और विंडोज का सिंबल और माइक्रोसॉफ्ट ना बहुत सारी चीजें बनाती है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड बनाता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट बनाता है, पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट का अपना क्लाउड भी है जहाँ पे स्टोरेज करके रख सकते हैं, इसका अपना नोटपैड भी है, इसका अपना एक्सेल भी है, तो सब कुछ इसके पास मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें हैं। तो लोग सबसे ज्यादा मार्केट अभी देखिएगा ना फील्ड में कंप्यूटर के क्षेत्र में, तो सबसे ज्यादा मार्केट यही बना के रखा है। ये जो अभी हम ये जो स्लाइड आप दिख रहा होगा ना यहाँ पे देखिए, आपको ना इस स्लाइड में भी आप यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, यानी ये जो स्लाइड भी आपको दिख रहा है ना ये माइक्रोसॉफ्ट में ही काम हो रही है, माइक्रोसॉफ्ट में ही हम आप लोगों को क्लास दे रहे हैं, ये भी उसी का एक जो विंडोज है उसी कंपनी का ये एक जो ये जो विंडोज है, या फिर इसको बोल सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट बोल सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ही ये एक एप्लीकेशन है पावर पॉइंट, उसी पे हम लोग काम करें। अगर आपके पास लैपटॉप होगी कंप्यूटर होगा तो आप भी कोना में देखिएगा, यानी कोना में सर्च का ऑप्शन होगा, आप उसमें सर्च करिएगा, जैसे देखिए ये नीचे आपको इधर देखिए इधर आपको कोना में सर्च का ऑप्शन होगा, तो यानी आप सर्च करिएगा, या यहाँ पे भी आप सर्च करके देखिएगा ना, यहाँ पे आप सर्च करिएगा, यहाँ पे सर्च करिएगा, तो यहाँ पे आपको सब कुछ दिख जाएगा कि आपके सिस्टम में कौन कौन सा एप्लीकेशन है सो, ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा आइडिया लग चुका होगा आपको, अगर कंप्यूटर चलाते होंगे तब बात कर रहे हैं, नहीं तो कंप्यूटर अगर आप नहीं चलाए हो चलाए होंगे तो कुछ नहीं बुझाएगा, फिर लगेगा का सर आप बोल दिए कुछ पते नहीं चला। जैसे क्या होती है कि जब हम लोग शुरुआत में पढ़ते थे ना, तो अभी तो ठीक है, अभी इतना सारा कंप्यूटर हो गया मेरे पास कि बस कंप्यूटर के सामने ही जीना है, उठना है, बैठना है, सब कुछ उसी के साथ करना। जब हमको कंप्यूटर, हम अपनी बात बता रहे, जब हमको कंप्यूटर नहीं बुझाता था तो ऐसा लगता था ना कि कैसे करेंगे, ऐसा फील होता था, लेकिन हम कंप्यूटर कहीं सीखे नहीं ना कहीं क्लास किए, सब कुछ खुद से ही काम किए, अपने ऊपर लेक्चर देखे, वीडियोज देखे, वही यूट्यूब ही सब कुछ सिखा दिया मेरे को, समझे। और क्या है ना कंप्यूटर के चलते जब मेरे को माउस धरने के लिए मिला था एक बार स्कूल में, ये माउस कर्सर इधर उधर हो गया तो मास्टर मार लेता है एक झाप जोर से, एकदम पकाएगा ज्यादा, बदमाशी करेगा, अरे यार तुम प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हो, स्टूडेंट को जो कहियो देख ले नहीं है कंप्यूटर, जो कहियो माउस नहीं चले ले है, कंप्यूटर नहीं चले ले, ऊपर हाथ अगर माउस पर जाएगा तो ऐसा माउस वाला बटन जो होता है वो तुरंत टिपटिपा जाता है, एकदम धरिएगा तुरंत दब जाएगा। अब मेरा उसमें क्या गलती है, तो टीचर को इतना समझना चाहिए ना कि शुरू शुरू आया गांव देहात करेगा है, इसको दे रहे हैं हम कंप्यूटर सिखा रहे हैं, अब इन्हें उन्हें हो ये गया कर्सर हो ये गया तो थोड़ा बर्दाश्त करें, थोड़ी ना हम खराब कर रहे हैं आपका कंप्यूटर, क्या करिए, सबका अपना अपना रहता, टीचर वैसे ही थे उस सेल वाला टीचर, तो ये सिचुएशन मेरा थी। लेकिन एक ऐसा भी नौबत आया जो मेहनत किए किए, आज इतना सारा कंप्यूटर हो गया कि मेरे साथ साथ बहुत सारे लोग काम कर, मेहनत करते चलना है, सीख जाइएगा, सब कुछ सीख जाइएगा। हाँ अगर आप नहीं आप देखे नहीं ये सब समझ पा रहे तो थोड़ा सा आप अपने ऊपर काम करिए, मेहनत करिए, मेहनत आप जहां तक नहीं भी सोचे हैं ना जाने के लिए उससे आगे तक पहुंचा देगा मेहनत, इसीलिए मेहनत करिएगा, सीख जाइएगा, सब कुछ सीख जाएगा। हम समझ सकते हैं कंप्यूटर बहुत को प्रॉब्लम में डालेगी, बहुत को, ये जो आईटी सिस्टम है ना बहुत लोगों को प्रॉब्लम में डालेगी, लास्ट में मजबूरी है कि रटना पड़ेगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको समझाते हुए चले। और ये देखिए ये जो सिंबल है ना इस तरह से उड़ता हुआ पक्षी का पंख, ये है ओपन ऑफिस का,
ओपन ऑफिस का सिंबल है। तो देखिए जब भी हम लोग ओपनिंग ओपन ऑफिस को जब हम लोग ओपन करेंगे तो वहां से जो ओपनिंग स्क्रीन बनेगा ना उसका हम लोग डेस्कटॉप के नाम से नहीं जानेंगे, उसको हम लोग स्टार सेंटर के नाम से जानते हैं। याद रहेगा उसको हम लोग स्टार सेंटर के नाम से जानते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट। विच मेनू कंटेन्स द नंबरिंग ऑप्शन। अब इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा मेनू है जिसमें नंबरिंग ऑप्शन रहती है। जैसे अगर आप रेस्टोरेंट में जाइएगा तो आपको मेनू कार्ड मिलेगा, उस मेनू कार्ड में पूरा सब पता, उस मेनू कार्ड में पूरा डाला हुआ रहता है कि मेरा जो ये है, मेरा जो रेस्टोरेंट है उस रेस्टोरेंट में क्या क्या चीज़ें मिलती है, कितना उसका दाम है, ये सब। उसी तरह कंप्यूटर में भी एक मेनू ऑप्शन रहता है, उस मेनू में जाइएगा, मतलब वही बोलता है विच मेनू, कौन सा मेनू में जाएंगे कि मेरे को नंबरिंग ऑप्शन मिलेगा 1 2 3 4 5। जैसे अगर फाइल है, फाइल में जाइएगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा, फोटोज देखने को मिलेगा, वीडियोज देखने को मिलेगा, अपने जो भी अपना सिस्टम में रखे हैं वो सब चीज़ें देखने को मिलेगी। अगर कुछ प्राइवेट चीज़ रखें तो वो भी देखने को मिलेगा, कि अगर फोटो वोटो रखें तो वो भी देखने को मिलेगा। तो ये क्या है, ये फाइल में देखने को मिलता है, लेकिन हमको नंबरिंग ऑप्शन चाहिए। एडिट में, एडिट में तो आपका एडिटिंग की सारी टूल्स से देखने को मिलेगी। टूल्स में, क्या टूल्स में नंबरिंग ऑप्शन दिखने को मिलेगा? नहीं। विच मेनू कंटेन्स द नंबरिंग ऑप्शन, तो नंबरिंग ऑप्शन कौन कंटेन करके रखता है? फॉर्मेट कंटेन करके रखता है, ठीक है ना। नंबरिंग ऑप्शन कौन कंटेन करके रखता है? फॉर्मेट, तो ऑप्शन नंबर इसका। देखिए रिगार्डिंग डाटा, कंप्यूटर्स आर वेरी गुड एट, देखिए डाटा के कंपेरिजन में देखा जाए ना तो कंप्यूटर आर वेरी गुड एट, मतलब कंप्यूटर को आप किस पर्पज से इस्तेमाल करते हैं? फिल्म देखने के लिए, गाना सुनने के लिए, यही आप लोग करते होंगे, इससे ज़्यादा और आप करते ही नहीं होंगे। और घर ही फोन करके बड़का बड़का डील करते होंगे कि हमको कंप्यूटर चाहिए, लैपटॉप चाहिए, मेरे को ये करना है, वो करना है, कैड करना है, वो कोडिंग करना है, वो कोडिंग करना है, कंप्यूटर के बिना मेरा पढ़ाई नहीं हो रहा। इस तरह से बहुत सारी दलीलें आप लोग देते होंगे घर में ताकि आपके पास कंप्यूटर खरीदा जाए। खरीदा तो जाएगा, करिएगा क्या उसको, उसमें इन्वेस्टमेंट होती है, कम से कम मिनिमम इन्वेस्टमेंट 30-35,000 पहला गार्जियन का जेब काट रहे हैं। जब जरूरतें नहीं है तो लेके क्या कर सकते हैं, करिएगा क्या। इसीलिए परेशान उतना ही करिए गार्जियन को जितना की जरूरत हो। आपको पता है स्टूडेंट लोग, हम भी स्टूडेंट थे, लेकिन उतना समय तक मेरे को समझ में आ चुका था कि हाँ मेरे को जरूरत नहीं है अभी कंप्यूटर का, मेरे पास जो मोबाइल फोन है उससे ही सब कुछ हो जाएगी। तो और करते भी क्या है, अभी हम देखते हैं स्टूडेंट लोग के रूम में विजिट करते हैं तो देखते हैं कि कंप्यूटर तो लैपटॉप तो ले लिया और लैपटॉप में देख क्या रहा है, फिल्म, फिल्म के अलावा और कुछ देखेगा नहीं। भले बोलेगा कि हम पढ़ते हैं सर, ये करते, हाँ ठीक है पढ़ाई आप आधा घंटा एक घंटा करते होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा समय आप उसी के ऊपर देते होंगे। और उतना तो अभी आपको नॉलेज हुआ नहीं होगा कि आपको कोडिंग सीखिएगा, आप कैड सॉफ्टवेयर मतलब कैड पे काम करिएगा, या फिर आप अपना डिजाइनिंग कब पे काम करिएगा, ये सब तो अभी आइडिया नहीं होगा, तो बेसिक चीज़ होगी। तो जब आप सीख लीजिएगा तब आप कंप्यूटर लैपटॉप ये सब लेने के लिए बोलिएगा ना, घर में कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहिए। देखिए डाटा के रिगार्डिंग बोला जा रहा है कंप्यूटर्स आर वेरी गुड एट, तो कंप्यूटर जो है डाटा के रिगार्डिंग, अब यहाँ पे डाटा के मामले में क्या चीज़ बोला जा रहा है, देखिए हम कंप्यूटर आपको समझाते हुए चलेंगे क्योंकि ये कंप्यूटर ऐसा सब्जेक्ट है ना कि मैक्सिमम लोगों को समझ में नहीं आता है, सच्चाई है यही। हाँ आप पढ़े हैं पहले, अगर आपको आइडिया होगी तो ठीक है, और जो हिंदी मीडियम वाले से होते हैं तो उसको तो बोल भी मत करिए, तो का तो और समस्या, हम हुए बैकग्राउंड से हम कष्ट समझ सकते हैं आप लोग। और जो इंग्लिश वाले लोग हैं उन लोगों को तो CBSE में पढ़ाई हो जाता है स्कूलिया में कि देखो कंप्यूटर टॉपिक डाल देवल जाएगा, कुछ कुछ बुझाता है उन लोग, हिंदी वालों को तो कहीं नसीबे नहीं होता। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको समझाते हुए चले। देखिए यहाँ पे डाटा के मामले में बोल रहा है रिगार्डिंग डाटा, तो डाटा की बात किया जाए तो डाटा मीन्स कौन सा डाटा, वो जो नेट वाला डाटा होता है कि डाटा ऑन करो नेट चलाएंगे वो वाला डाटा नहीं। डाटा के मामले में मतलब कि आपका वीडियोज, आपका ऑडियोज, आपका सॉन्ग, और फिर आपका और जो भी एक्स्ट्रा PDF फाइल्स हैं, बुक का फाइल्स है, ये सब जो है ना, ये सब डाटा, ये सब चीज़ का मतलब, ये सब चीज़ को डाटा की बात कर रहा है, मतलब ये सब जो चीज़ है ना वो डाटा का फॉर्मेट है। तो वही बोलता है कंप्यूटर के अंदर ये जो रिगार्डिंग डाटा होती है ना, वो डाटा को कंप्यूटर में हम लोग स्टोरेज करने के लिए रखते हैं। तो
कंप्यूटर के अंदर हम लोग जनरली करते क्या, फिल्म देखने के लिए लेते हैं, कुछ कुछ नेट चलाने के लिए लेते हैं, फॉर्म भरने के लिए लेते हैं, पीडीएफ देखने के लिए लेते हैं, कुछ डाटा स्टोर करके रखने के लिए लेते हैं, वीडियोज ऑडियोज फाइल पीडीएफ ये सब को स्टोर करके रखने के लिए जनरली हम लोग लेते हैं। और प्रोसेसिंग रिगार्डिंग डाटा, कंप्यूटर्स आर वेरी गुड एट क्या, प्रोसेसिंग के लिए भी हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। प्रोसेसिंग कहने का मतलब कि अगर आप थोड़ा बहुत कैड उड के, मतलब थोड़ा कैड या फिर कोडिंग वोडिंग के बारे में जानकारी रखिएगा तो वो सब कोडिंग वोडिंग भी हो सकती है कंप्यूटर्स से। और रीड्राइव मतलब क्या, जैसे रीट्राइव मतलब होती है ना कि डिलीट हो गया, तो वो फाइल को फिर पैक करके अगर आप वापस लेना चाहते हैं तो एक रिसाइकल बिन होती है, तो वो फॉर्मेट के लिए जनरली कंप्यूटर आर गुड एट ऑल ऑफ द एबव, मतलब सबके लिए सुटेबल है कंप्यूटर। इसको ऑप्शन नंबर हम लोग डालेंगे कि कंप्यूटर में बहुत सारा सिक्योरिटी पर्पस मिलती है, लेकिन अभी तो आपका मोबाइल में भी सब कुछ उतना तो मोबाइल में भी दे देता, आजकल 64 GB 128 GB ओकरों से ज़्यादा स्टोरेज मोबाइल में मिलने लगा है अब, तो ये सब चीज़ें मोबाइल से भी पॉसिबल है, लेकिन कंप्यूटर्स की बात कर रहा था कंप्यूटर। नेक्स्ट, हिडन फाइल कैन बी व्यूड यूजिंग, मान लेते हैं कि आपका कंप्यूटर में कुछ हिडन फाइल है, कुछ छुपा के रखे हैं, जिसके पास कंप्यूटर का नॉलेज है और वो कुछ चेक करना चाहता पकड़ा जाइएगा, तो हिडन फाइल कैन बी व्यूड यूजिंग। अगर मान लेते कि अब यहाँ पे शॉर्टकट की बात कर रहा है, कौन सा ऐसा शॉर्टकट की है जिसके माध्यम से हम लोग हिडन फाइल, तो छुपा हुआ फाइल उसको देख सकते हैं, तो ISA ऑप्शन नंबर इसका ही हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट शुड बी इंस्टॉल टू यूज ए न्यू डिवाइस, ठीक है, आप अभी नया नया कंप्यूटर या लैपटॉप खरीद के आए हैं, अब आपको उसको यूज करना है तो तुरंत यूज नहीं होगी, जैसे मोबाइल में तुरंत यूज नहीं होता, मोबाइल में पहले सेटिंग करना होगा, टाइम डेट सब मिलाना होगा, फिर उसमें ईमेल आईडी डालना होगा, तब पूरा डाटा आपका लॉगिन होगी। अब यहाँ पे बोलता है व्हाट शुड बी इंस्टॉल टू यूज ए न्यू डिवाइस, अगर मान लेते हैं आपके पास नया डिवाइस आई है, नया लैपटॉप आप खरीद कर लिए हैं या कंप्यूटर खरीद के आए हैं, तो सबसे पहले आपको उसमें क्या चीज़ इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल मतलब कि नहीं, जो वो नहीं देखते, कोई भी मोबाइल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं आप अपना मोबाइल में प्ले स्टोर से, वही है कि आपके पास न्यू डिवाइसेस है तो कौन सा सॉफ्टवेयर या क्या चीज़ आप उसमें इंस्टॉल करिएगा, क्या कंपेरिटिबल हार्डवेयर क्या आप उसमें कुछ इंस्टॉल करिएगा, डिवाइस ड्राइव आप उसमें इंस्टॉल करिएगा, एंटीवायरस आप उसमें इंस्टॉल करिएगा, या फिर एप्लीकेशन ड्राइवर आप उसमें इंस्टॉल करिएगा। तो देखिए एंटीवायरस की बात किया जाए तो एंटीवायरस आपको बाहर से परचेज करना होगा, ठीक है, वो इंस्टॉल नहीं करना, वो आप ऑनलाइन आप एंटीवायरस कर सकते, या नहीं तो जब आप कंप्यूटर खरीदिएगा ना आपको वहीं से सब कुछ करके दे देगा, ये एंटीवायरस ये सब डाल के दे देगा, जैसे आपका क्विक हिल है, क्विक हिल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एंटीवायरस के रूप में, या MC फ्री है, ये सब है जो एंटीवायरस है। तो क्या चीज़ इंस्टॉल करना होगा, सबसे पहले आपको डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करना होगा, बिना डिवाइस ड्राइवर के आपको कोई भी चीज़ नहीं चलेगा। जैसे अगर डिवाइस ड्राइवर के फॉर्मेट में क्या, अगर आपको कंप्यूटर है आपके पास, आपके लैपटॉप है, आपके लैपटॉप में सब कुछ है, अगर आप ऑडियो ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करके रखिएगा तो ऑडियो निकल भी नहीं करेगा, वीडियो ड्राइवर इंस्टॉल करके नहीं रखिएगा तो वीडियो भी नहीं चलेगा। तो हर एक चीज़ के लिए डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल उसमें आपको सबसे पहले करना जरूरी है। आपके मोबाइल में भी आप देखते होंगे कि आपका मोबाइल रहती है 64 GB का, लेकिन देखिएगा कि 10 GB ना पहले ही से वो स्पेस खींच के रख ले है मोबाइल, वो 10 GB में वही सब चीज़ें हैं ना, जो वही जो मोबाइल के लिए जो ड्राइवर जरूरत है वो चीज़ पहले से इंस्टॉल करके दे रहा है आपको मोबाइल फ़ोन का कंपनी, जिससे कि आप जो कस्टमर है ना कंज्यूमर है वो परेशान ना हो उसके चलते। लेकिन लैपटॉप में आपको थोड़ा सा खुद से भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, और अगर आप वहाँ से ही इंस्टॉल करवा के ले आइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कंपनी जहाँ से आप परचेज कर रहे हैं ना वही आपको सब कुछ करके दे देता है, तो ये डिवाइस ड्राइवर आपको इंस्टॉल करना होगा। एक कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी डैट मोनिटर्स एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक इच, देखिए कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर एक ऐसा सिक्योरिटी रहता है जो क्या मोनिटर करता है, आपका इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक, मतलब कि कंप्यूटर के अंदर एक ऐसा सिक्योरिटी है कि आप क्या क्या इनपुट डाले हैं, मतलब आप क्या इनपुट डाल रहे, क्या इनकमिंग डाल रहे और उधर से क्या आपको आउटगोइंग आ रहा है, मतलब क्या इनपुट डाल रहे क्या उधर से आउटपुट आ रहा है,
ये सब चीज को मॉनिटर करने के लिए एक कंप्यूटर के अंदर नेटवर्क फिट किया हुआ, नेटवर्क लगाया हुआ। मतलब आप ध्यान रखिएगा एक चीज, चाहे आप मोबाइल में कुछ कर रहे हैं चाहे आप कंप्यूटर में कुछ कर रहे हैं, जो आप एक बार कर दिए ना वो आपका उस कंप्यूटर या उस मोबाइल में सेव हो गया है। भले आप सोचते होंगे कि हम उसको डिलीट कर दिए तो सामने से डिलीट हो गया, फिर आप सोचते होंगे कि रिसाइकल बिन में गया होगा, वो से डिलीट कर देते हैं तो वो से खत्म। वो आप एक बार कुछ भी कर दिए हो वो आपको सब कुछ सेव कर लेता है, क्योंकि कंप्यूटर में इस तरह का सिस्टम लगाई हुई रहती है कि आपका इनकमिंग आउटगोइंग सब कुछ आपको सेव होना होते रहता है वो चीज। तो वही चीज को कौन है, मतलब कौन है कंप्यूटर में, कौन सा ऐसा नेटवर्क सिक्योरिटी है जो इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को क्या करता है, मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है। तो क्या कुकीज कुकीज करता है या फिर वायरस करता है, फायरवॉल करता है या ओम्स करता है? तो वो कौन करता है? फायरवॉल्स। और ये वायरस क्या है? वायरस मतलब कि आपका वायरस मतलब समझिए क्या होता है। सो आजकल ना बहुत सारे लोग ना व्हाट्सएप करते हैं कि देखो आज टाटा कंपनी ना इतना दिया है ऑफर, तो आपको फ्री रिचार्ज करने के लिए। जियो कंपनी रही उतना बुड़बक नहीं है उन लोग जो सब आपको फ्री फ्री में प्रोवाइड कर देगा। तो वो सब वायरस है, वो सब एक होती है क्लिक थ्रू रेट, वो फ्रॉड है। अगर उस चक्कर में आप अगर फंस गए तो फंस गए, और बच गए तो बच गए। उन लोग क्लिक करवाता है कि बेटा कर ना क्लिक एक बार, इसके बाद मेरे को क्या करना हमको पता है। तो ये सब वायरस होती है। आपके कंप्यूटर में भी बहुत सारे वायरस आते हैं, इसी वायरस से बचने के लिए तो कंप्यूटर में एंटीवायरस इंस्टॉल किया जाता है, ताकि ये सब चीज़ें वायरस से लड़ सके, है ना। तो ये फायरवॉल होता है जो क्या करता है, कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी को मॉनिटर करता है इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक के लिए। तो ठीक है, आपका आप देखिएगा ना कंप्यूटर में सर्च करके देखिएगा ना, सर्च बॉक्स में फायरवॉल देखिएगा। अगर विच ऑफ द फॉलोइंग, थोड़ा ज़्यादा ही समझाते चल रहे हैं, नहीं ज़्यादा समय लगेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ की इज यूज टू एग्जिट फ्रॉम द टर्मिनल, मतलब आप कोई काम कर रहे हैं सिस्टम में, अब वहाँ से मेरे को ना सब कुछ छोड़ छाड़ के बाहर निकलना है। तो बाहर निकलने के लिए जनरली हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? तो कंट्रोल जेड का इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल टी का इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल डी का इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल ई का। तो देखिए कंट्रोल डी का इस्तेमाल करिए, कंट्रोल डी को आप टच करिए हो जाएगा। जैसा देखिए ये आपका कीबोर्ड रहेगी इस तरह का, तो ये आपके पास कीबोर्ड है। इस कीबोर्ड में आप कंट्रोल कने हैं CTRL, कंट्रोल ये रहेगी और डी कने है, ये देखिए यहाँ इन्हें CTRL और ये ऐसे करके डी दबा दीजिएगा ये दोनों ने, फिर आप तुरंत वहाँ से जो भी आप काम कर रहे हैं उससे आप तुरंत बाहर आ जाइएगा। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस में डी हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, करेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा, द डिक्लेरेशन ब्लॉक ऑफ CSS इज सराउंडेड बाय, अब यहाँ पे देखिएगा कास्केडिंग स्टाइल शीट होती है CSS, एक होता है HTML और एक होता है CSS। तो देखिए जब भी CSS मींस होता है कोडिंग, और देखिए HTML एक प्रकार का क्या है, कंकाल है, और इस कंकाल के ऊपर किसी का व्हाइट देखते होंगे, किसी का स्किन व्हाइट होता है, किसी का स्किन ब्लैक होता है, किसी का स्किन थोड़ा सा ब्लैक और व्हाइट के बीच में होता है। तो इस तरह का जो वो जो स्किन चढ़ता है ना वही चीज़ कहलाता है CSS। जैसे कंप्यूटर के भाषा में बोला जाना तो HTML के माध्यम से कोडिंग किया जाता है, और कोडिंग को डिजाइन अप करना है। थोड़ा कहीं देखिएगा, कहीं एक कोना में एगो पिक्चर दिखेगा, कहीं पीछे पिक्चर दिखेगा, इन्हें ऐसे डिजाइनिंग दिखेगी, तो वो सब डिजाइनिंग जो होता है ना CSS के माध्यम से होती है। तो ये बोलता है डिक्लेरेशन ब्लॉक ऑफ CSS इज सराउंडिंग बाय, तो उसको जो जनरली सराउंडिंग को जो भी CSS होती है ना उसको बंद करना है मेरे को। तो जैसे कोई भी सेंटेंस लिखते हो तो उसको अंतिम करने के लिए ऐसे डॉट करके देते हैं, तो यहाँ पे CSS के मदद से जनरली मतलब CSS ये जो CSS को अगर सराउंडेड यानी बंद करना है तो उसके लिए आप या स्मॉलर और ग्रेटर का इस्तेमाल करके आप बंद कर सकते हैं। तो इसको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ने HTML और CSS दोनों साथ साथ होता है ना, तो ये वाला हो जाएगा, ये वाला
ब्रैकेट के मदद से आप बंद कर सकते हो, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द एग्जिस्टेंस ऑफ सी एस एस फाइल। अब देखिए, एग्जिस्टेंस कहने का मतलब जैसे कोई भी फाइल हो आप क्या करते हैं, सेव करते हैं। कोई भी फाइल को जब आप सेव करते हो, जैसे पीडीएफ को सेव कर रहे हैं, तो लास्ट में नहीं देखते डॉट पीडीएफ लिखा जाता है। अब जैसे अभी हम मान लेते हैं ये पावर पॉइंट में हम क्लास ले रहे हैं आप लोग को, अगर इस पावर पॉइंट वाला स्लाइड को अगर हम सेव करेंगे ना, तो देखिएगा लास्ट में पीपीटी ऐसे लिखा जाएगा। उसी तरह सीएसएस फाइल को एक्सटेंशन मतलब कि सेव कर रहे हैं, तो अगर सीएसएस फाइल को जब हम लोग सेव कर रहे हैं ना, तो डॉट सीएसएस लिखा जाएगा आपको, ठीक है। नाइन के बाद देखिएगा टेन, विच सेक्शन ऑफ द ब्राउजर विंडो डिस्प्ले द मेन कंटेंट। देखिए ये जो एचटीएमएल होती है ना, HTML में जब आप टैग HTML के माध्यम से जब आप कोडिंग करिएगा ना, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को लिखना रहता है। जैसे आपको हेड लिखना है, बॉडी लिखना है, टाइटल लिखना है, हेडिंग लिखना है, तो ये सब चीज़ें लिखी जाती है। और लिखने के बाद जो आउटपुट यानी जो मेरे को डिस्प्ले पर जो मेन कंटेंट के रूप में जो मेरे को विंडोज पे जो डिस्प्ले होती है ना, वो कौन सा चीज़ डिस्प्ले होता है ये पूछा जा रहा है। क्या हेड या टाइटल? टाइटल तो देखिएगा सबसे ऊपर लिखा रहता है। मान लेते आपको टॉपिक के नाम लिखना, मान लेते कोई पढ़ रहा है व्हाट इज कंप्यूटर, तो सबसे पहले ऊपर कंप्यूटर लिखा रहेगा, उसके बाद नीचे लिखा रहेगा क्या, हेडिंग दिया हुआ रहेगा व्हाट इज कंप्यूटर, तो व्हाट इज कंप्यूटर हो गया, ये हेडिंग हो गया। अब व्हाट इज कंप्यूटर है, इसके बारे में पूरा नीचे लिखा है, तो वो जो नीचे लिखा रहता वो क्या रहता है, बॉडी रहता है, ठीक है। तो नीचे जो लिखा हुआ रहेगा वो बॉडी रहता है, यानी जो मेरे को, या नहीं तो आप लोग भी क्या करते होंगे, देखते नहीं होंगे आप लोग भी गूगल करते, गूगल करने के बाद आप लोग देखिएगा कि बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, तो कोई भी डिफिनीशन दिखता है, कोई भी चीज़ है क्वेश्चन से उसके नीचे डिफिनीशन दिखता होगा, या विकिपीडिया खोलिए ना, विकिपीडिया में देखिएगा कि बहुत सारी चीज़ें आपको डिस्प्ले हो रही है लिखा हुआ, किसी का जीवनी के बारे में, तो वो सब जो लिखा हुआ रहता है ना, वो सब बॉडी के अंतर्गत लिखा रहता है, तो वो जो हमको सामने जो डिस्प्ले हो रही है ना मेन कंटेंट के रूप में, वो मेरे को बॉडी के रूप में हो रहा है। जो बॉडी टैग बना के जो बॉडी आप लिखे हुए हैं ना, वही चीज़ मेरे को डिस्प्ले हो रही है, तो ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर टेन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। देखिए आगे हम लोग देखते हैं, इसके बाद देखिए, इसके बाद जो हम लोग का एक टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिए। ये जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है ना, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको एक करके थोड़ा सा समझ, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है ना जो बहुत बार रिपीट करता है, जितना बार एग्जाम लेता उतना बार इसके बारे में पूछेगा। तो देखिए, एक आपके पास होती है सॉफ्टवेयर, एक होती है आपके पास हार्डवेयर। ये सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए सॉफ्टवेयर कहने का मतलब ना कि जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, बस देखिए और अनुभव करिए, और हार्डवेयर मतलब जिसको हाथ से हम लोग छू सकते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर कहने का मतलब कि अभी आप YouTube देख रहे हैं, YouTube क्या है, YouTube एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। आप H2O स्टडी के एप्लीकेशन से पढ़ते, तो H2O स्टडी क्या है, वो एक प्रकार का एप्लीकेशन, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, उसको छूते नहीं है, बस फील करते हैं, इसे टच करिएगा खुल जाएगा, हाथ से इसे धर नहीं ना सकते हैं, तो उसको बोला जाता है सॉफ्टवेयर। एक होता है हार्डवेयर, जैसे मोबाइल, मोबाइल क्या है, मोबाइल एक प्रकार का हार्डवेयर है, कंप्यूटर हार्डवेयर है। ये देखिएगा ये जो माइक है, ये माइक क्या है, ये एक प्रकार का, ये सब हार्डवेयर के फॉर्मेट में। ये देखिए ये रिमोट है, रिमोट एक प्रकार का क्या है, ये सब हार्डवेयर है, मतलब जिसको हम लोग हाथ से पकड़ के उसको फील कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसको हम लोग जनरली हार्डवेयर के नाम से जानते हैं। अब देखिए क्या करके इसका डिफरेंस क्या, सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स ए कंप्यूटर एग्जैक्ट व्हाट टू डू। मतलब सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सॉफ्टवेयर क्या करता है, इंस्ट्रक्शन सेट करता है, दैट टेल्स ए कंप्यूटर एग्जैक्ट व्हाट टू डू, मतलब कि एग्जैक्ट कंप्यूटर क्या करे, वो सब कुछ सॉफ्टवेयर में फिट रहता है, सॉफ्टवेयर में सब कुछ फिक्स है, सब कुछ। जैसे अभी आप YouTube खोले, YouTube में देखिएगा, YouTube एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, उसमें सब कुछ फिक्स है, जो भी आप सर्च करिएगा वो सब चीज़ आपको सामने कंप्यूटर दिखा देगा, ठीक है। तो ये होती है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर इज ए फिजिकल पार्ट्स कंप्यूटर, हार्डवेयर क्या, कंप्यूटर एक प्रकार का फिजिकल पार्ट्स, उसको आप धर के आप चेक कर सकते हैं, दैट काउजेज प्रोसेसिंग ऑफ द डाटा, दैट काउजेज प्रोसेसिंग ऑफ द डाटा, जो
जो भी डाटा उसके अंदर होता है उसको प्रोसेसिंग करने में मदद करता है कौन, ये हार्डवेयर। अब सॉफ्टवेयर कैन बी इजेक्ट आउट विदाउट हार्डवेयर, मतलब जो सॉफ्टवेयर है ना कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विदाउट हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर बिना हार्डवेयर के चल ही नहीं सकता। मान लेते हैं आपके पास ये मोबाइल रह भी नहीं करेगा, तो इसके अंदर आप सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करिएगा। दोनों का जरूरत है, सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर का जरूरत है, हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर का जरूरत है, हस्बैंड को वाइफ का जरूरत है, वाइफ को हस्बैंड का जरूरत है, लेकिन अभी आपको गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का जरूरत। इन्हें तो ये भी मत कह लगेगा कि सर वो भी जरूरत है, नहीं वो आपको जरूरत, करियर बन जाएगी तो फिर हो जाएगा, क्या कर लीजिएगा। तो सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विदाउट हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर जो है ना बिना हार्डवेयर के अस्तित्व में नहीं है। हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर। अब मान लेते हैं हार्डवेयर आपके पास आई, अब उसके अंदर सॉफ्टवेयर है ये नहीं, तो हार्डवेयर वाले को खाली डब्बा है उसको आप करिएगा का। दोनों का एक दूसरे का जरूरत है, सबका जरूरत होती है। लोग बोलते हैं ना कि हम घर चला दे रहे हैं, हम थोड़ा देख दे परवरिश होती है, जैसे कहीं 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 देखिएगा गांव में बहुत होता है लड़ाई झगड़ा होता है ना, जैसे हस्बैंड वाइफ लड़ेंगे ना तो उन लोग ये नहीं समझ पाते हैं ना कि दोनों का जरूरत एक दूसरे से फुलफिल हो रहा है, तो लोग वहाँ पे समझने लगते हैं कि नहीं हम तुम्हारी ज़रूरत सब कुछ हम ही पूरा कर रहे हैं, तुम्हारा जो ज़रूरत है वो सब हम ही पूरा कर रहे हैं, ये गलत। आपका भी ज़रूरत कुछ ना कुछ है, वो सामने वाला पूरा कर रहा है, तो ये होती है। वही सिस्टम है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का, बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर नहीं चलेगा और बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा। सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी टच्ड, सॉफ्टवेयर को जनरली हम लोग टच नहीं कर सकते, बस फील करिए कि हाँ वो ऐसा है। हार्डवेयर कैन बी सीन एंड टच, हार्डवेयर को आप देख भी सकते हैं और आप उसको टच भी कर सकते हैं, जैसे फोन आपके मोबाइल आप देख रहे हो तो एक प्रकार का हार्डवेयर है, टच भी करके टच भी किए हुए आप उसको देख भी रहे हैं। सॉफ्टवेयर इज डिबग्ड इन केस ऑफ प्रॉब्लम, अगर मान लेते हैं एक बार सॉफ्टवेयर खराब हुआ तो फिर उसको बहुत मुश्किल है बनाना। एक बार सॉफ्टवेयर खराब हुआ प्रॉब्लम में पड़ा तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जबकि हार्डवेयर इज रिपेयर्ड इन केस ऑफ प्रॉब्लम, अगर हार्डवेयर में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हुई आप उसको रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर में रिपेयर नहीं होती है। सॉफ्टवेयर अगर आपको खराब हुआ ना तो उसको ठीक करने के लिए फिर आपको प्रोग्रामिंग करना होगा, रन करवाना होगा सॉफ्टवेयर को, बहुत सारी उसमें समस्या होती है, उसके लिए स्पेशल इंजीनियर का जरूरत पड़ेगा, तब जाकर सॉफ्टवेयर ठीक होती है। सॉफ्टवेयर इज रीइंस्टॉल्ड इफ द प्रॉब्लम्स इज नॉट सॉल्व। अब आप लोग देखते हैं जैसे कभी कभी H2O स्टडी नहीं चल रही है, एप्लीकेशन तो नहीं चल रही है, तो उसको फिर क्या आप लोग करते हैं, अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करते हैं। तो सॉफ्टवेयर में एक ये चीज़ सुविधा है, अगर कोई सॉफ्टवेयर बढ़िया से काम नहीं कर रहा है तो आप उसको अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करिए, अपना काम करना शुरू कर देगा। हार्डवेयर इज रिप्लेस्ड इफ द प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व, अगर हार्डवेयर एक बार खराब हो गया ना तो अगर मान लेते हो नहीं बना तो फिर आपको बदलना ही पड़ेगा। मोबाइल एक बार खराब हो गया तो अगर नहीं बना तो फिर नया मोबाइल लीजिए, फिर कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये कंडीशन था इसमें, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जरूर इसको कम से कम 5 गो अंतर बढ़िया से लिखना है आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। आगे HTML इज एक्रोनेम्स फॉर, मतलब HTML का पूरा फुल फॉर्म, तो देखिए HTML मतलब कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है ना, HTML से ही सारा कोडिंग होती है। जितने भी आप लोग देखते हैं ना, आप लोग कुछ भी सर्च करते हैं गूगल पे आपको तुरंत उसका रिजल्ट मिल जाता है, वो कैसे मिल जाता है, अरे वो सब कोडिंग करके, यानी वो सब HTML के माध्यम से सब कोडिंग करके डाला हुआ है ये पे गूगल साइट पे। गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन है, आप कुछ भी सर्च करते हैं आपको डाटा मिल जाता है, कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो रहा है वो थर्ड आदमी मतलब हमारे और आपके जैसे ही इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डाल रहा है, वो सब किसके माध्यम से, HTML के माध्यम से। मतलब एक बना दिया गया प्रोसेस कि अगर आपको यहाँ पे कुछ अपलोड करनी है, आपके पास कुछ कंटेंट है उसको लोगों तक पहुँचानी है, तो आप HTML करिए, उस चीज़ को HTML के माध्यम से लोगों तक पहुँचाइए, तो HTML के माध्यम से आप गूगल पे काम करिए, हो जाएगी। आप कोई भी सर्च करेगा तो आपको भी लोग देखना शुरू कर देगा, लेकिन वो सब तरीका मालूम होना चाहिए।
तो हाइपर नहीं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, हाइपर ट्रांसफर मेकअप लैंग्वेज नहीं, मेकअप वाला तो सिस्टम नहीं। लड़की लोग मार मत दीजिएगा आप लोग मेकअप वाला, आप लोग बहुत, आप लोग का बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है मेकअप पे, तो थोड़ा सा सोच समझ के। हाइपर टेक्स्ट मेकअप लैंग्वेज, यूँ मेकअप पे दे रहा है, यूँ मेकअप पे दे रहा है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये वाला हो जाएगा करें। HTML is acronyms for the HTML hypertext markup language. HTML tags should be specified within. अब HTML की बात कर रहा, तो HTML को जनरली किस से हम लोग टैग करते हैं, HTML को ये वाला टैग से हम लोग टैग करते हैं, जबकि CSS को जनरली हम लोग किस से टैग करते हैं, ये वाला से, ये वाला टैग। अगर कुछ भी लिखना है तो जैसे लिखना है वो लिखना है, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ जीपी पूर्णिया, अगर इस तरह से आपको लिखनी है और इसको पूरा बंद करना है, ये HTML में डालना है। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी सेंटेंस लिखिएगा तो आप इस दोनों ब्रैकेट के अंदर में लिखना है, आपको HTML टैग इस दोनों ब्रैकेट के अंदर में डालना है, ठीक है। तो ये HTML टैग शुड बी स्पेसिफाइड विद इन ब्रैकेट, ऑप्शन ग्रेटर और लेस देन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिएगा, लुकिंग फॉर द इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड, आप कुछ भी इंटरनेट पर खोज रहे हैं, कुछ भी चीज ढूंढ रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या करना बोलते हैं, क्या सर्चिंग करना बोलते हैं, कि सर्च कर रहे हैं, फाइंडिंग करना बोल रहे हैं, कैल्सिंग करना बोल रहे हैं, सर्फिंग करना। आप कुछ भी इंटरनेट पर ढूंढते हैं ना, तो उसको हम लोग जनरली सर्फिंग करना के नाम से जानते हैं, सर्फ कर रहे हैं, सर्फिंग। जैसे मान लेते हैं कोई ढूंढेगा SBT का रिजल्ट आया या नहीं आया, तो SBT.com SBT सर्च किए, वो गूगल पे किए, तो गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन है, SBT सर्च किया, अब देखिएगा आपको रिजल्ट, तो सब जो प्रोसेसिंग चल रही है ना, कोई भी चीज इंटरनेट पर आप इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं, कोई भी चीज इंटरनेट पर आप इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं, तो वो एक प्रकार का सर्फिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसको सर्फिंग करना बोलते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट बेस्ड ऑन लिनक्स, इसमें से कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लिनक्स पे बेस्ड नहीं है। उबंटू, Ubuntu तो एक उसका अपना सॉफ्टवेयर है, उसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम Ubuntu, Red Hat या सेंट ऑपरेटिंग सिस्टम BSD, ये जो BSD है ना, ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है ना जो लिनक्स पे बेस्ड नहीं है। अब BSD का फुल फॉर्म क्या होता है नहीं, अब आप लोग बताइए, BSD का फुल फॉर्म बहुत सारे गलत गलत मीनिंग डाल सकते हैं, लेकिन इसका सही मीनिंग क्या होगा ना, वो आप लोग मेरे को बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ये BSD जो है लिनक्स का ऑपरेटिंग, लिनक्स पे बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेन मेमोरी, आप देखिएगा आपके पास रोम है, रैम है, फ्लैश ड्राइव है, हार्ड डिस्क है। रोम मतलब कि रैंडम, नहीं रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, रैम मतलब कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक होता है फ्लैश ड्राइव, एक होता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होगा आपको दिखाएं, ये देखिए इस तरह का हार्ड डिस्क रहता है, इसमें आपको डाटा स्टोर करके रखना होता है। कुछ भी अगर मान लेते हैं आपको बहुत ज़्यादा, ये 2 TB का हार्ड डिस्क और 2 TB फुल हो गया, आप GB भी नहीं फुल कर पाते, ये टीबी फुल हो गया, खत्म हो गई है, अब इसमें थोड़ा सा भी स्पेस नहीं बचा, थोड़ा बहुत होगा स्पेस, हो गया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन मेमोरी, इसमें से मेन मेमोरी कौन सा, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी ये मेन मेमोरी है, रोम सेकेंडरी मेमोरी है, हार्ड डिस्क ये सब सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। तो रैम क्या है, रैम है प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी है। अगर आपके मोबाइल, नहीं आप मोबाइल वोबाइल खरीदते हैं तो नहीं देखते कितना GB का रैम है, कितना GB के इंटरनल है, तो इंटरनल जो रहता है वो रोम दिखाता है और रैम वही 2 GB 4 GB। तो जैसे जितना ज़्यादा आपका सिस्टम में रैम रहेगा ना, उतना ही तेज़ी से आप काम करिएगा। अब आपके सिस्टम में रैम ही नहीं है तो आप तो स्लो काम करिए, लिए रैम बढ़ाने के लिए आप खाइए पीजिए, दूध दूध पीजिए, अच्छा खाना खाइए, ये नहीं कि खाली मुरही और घी और मिक्सचर पे जिंदगी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग द मेन मेमोरी, इसमें से मेन मेमोरी कौन सा है, रैम, रैम मेन मेमोरी के अंदर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, व्हेन ए सिस्टम रीस्टार्ट्स, देखिए सिस्टम को हम लोग क्या कर रहे हैं, रीस्टार्ट कर रहे हैं। जैसे जब आप ऑफ करिएगा सिस्टम को, या फिर ऑन करिएगा, या ऑफ ऑफ करिएगा ना, उसी समय आपके पास 2-3 ऑप्शन आएगा, एक ऑफ करने का,
तो रीस्टार्ट करने का एक स्लीपिंग मोड में डालने का एक ऑप्शन ऑप्शन आता है। तो बोलता है व्हेन ए सिस्टम रीस्टार्ट, जब हम लोग सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे तो विच टाइप ऑफ बूटिंग इज यूज, तो वहाँ पे किस प्रकार का बूटिंग होता है, तो वहाँ पे वार्म बूटिंग होता है। ठीक है, व्हेन ए सिस्टम रीस्टार्ट तो वार्म बूटिंग, तो इसमें से बोलता है विच टाइप ऑफ बूटिंग इज यूज, तो वार्म बूटिंग ऑप्शन नंबर इसका। ए फार्मूला इन कैलसी मे बिगेन विथ, कैलसी में जो फार्मूला स्टार्ट होती है वो कहाँ से, इक्वल टू प्लस माइनस सब हो जाएगा ऑल ऑफ द थिंग। आइडेंटिफाई द इनपुट डिवाइस, देखिए इसमें सब ना, अब यहाँ पे दो गो डिवाइस होती है, एक इनपुट डिवाइस होती है, एक आउटपुट डिवाइस होती है। इनपुट डिवाइस मतलब कि जिसको हम लोग इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट डिवाइस मतलब कि जहाँ से मेरे को आउटपुट निकल रहा है, जैसे प्रिंटर। प्रिंटर क्या है, प्रिंटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर से क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, जैसे ये देखिए ये माउस है, तो ये जो माउस है, ये माउस है, ये जो माउस है, ये माउस से हम लोग क्या करते हैं, इनपुट डालते हैं। ये देखते हैं, जैसे ये देखिए अभी यहाँ पे देखिएगा बीच में कर्सर दिख रहा होगा, कर्सर से हम लोग ऐसे करके कहीं पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये नेक्स्ट प्रीव्यू, ये एक प्रकार का इनपुट आ रहा है। और ये जो जैसे सामने स्क्रीन है तो स्क्रीन दिख रहा है तो मेरे को डिस्प्ले दिखा रहा है, तो एक प्रकार का मेरे उसको आउटपुट दिखा रहा है। तो इसमें से बोलता है इनपुट डिवाइस, तो इनपुट डिवाइस इसमें से माउस, माउस एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर ये सब आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता, माउस इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रैक ए यूजर विजिट ए वेबसाइट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रैक्स ए यूजर विजिट ए वेबसाइट, मतलब कि जो भी जितने लोग भी यूजर होते हैं ना, जो कोई भी वेबसाइट पे, कोई भी वेबसाइट पे जाके विजिट करते हैं वो किसके माध्यम से, तो कुकीज के माध्यम से। आप लोग देखते होंगे कि अगर आप कहीं कहीं ना, अगर कोई सॉफ्टवेयर या कोई भी साइट पे गए हैं ना, तो वहाँ पे इस मोबाइल के नीचे जो है ना, यहाँ पे कुकीज का एक ऑप्शन आता होगा, ओके करने के लिए बोलता होगा या एग्जिट करने के लिए बोलता होगा, वही कुकीज है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रैक, इसमें से कौन सा ऐसा ट्रैक है जिसके माध्यम से कोई भी यूजर कोई वेबसाइट के ऊपर पहुंच सकता है, वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकता है, तो कुकीज के माध्यम। एक कॉलम हेडिंग इन कैलसी एज ए, एक कॉलम हेडिंग की बात कर रहा है कैलसी, तो कैलसी के अंदर जो कॉलम हेडिंग होता है उसको जनरली हम लोग नंबर के नाम से जानते हैं, सिंबल्स के नाम से जानते हैं, डाटा के नाम से जानते हैं, अल्फाबेट के नाम, अल्फाबेट हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, विच की इज यूज टू मूव द सेल पॉइंटर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन विद इन द वर्कशीट, वर्कशीट मतलब कि अगर आप एम एस एक्सेल में कभी काम करिएगा ना, माइक्रोसॉफ्ट का एम एस एक्सेल में देखिए तो उसमें इस तरह का बॉक्स देखने को मिलेगा, तरह का बहुत सारा बॉक्स रहता है एमएस, तो देखिए इसमें जो प्रत्येक बॉक्स जो बन रहा है ना, ये जो प्रत्येक बॉक्स ये इसको हम लोग जनरली सेल के नाम से जानते हैं, इस सेल है, ये सब सेल है। तो देखिए अगर एक सेल से दूसरा सेल में जाना है तो कैसे हम लोग करेंगे, तो देखिए ये आपके पास अगर कीबोर्ड रहे तो इस कीबोर्ड में ध्यान से देखिएगा ना, तो ये वो आपको यहाँ पे टैब का ऑप्शन देखने को मिलता है, टैब मतलब इस तरह का ऐसे देखने को मिलेगा, ऐसे इस तरह से रहता है बनाया हुआ, या नहीं तो कहीं कहीं आपको इस तरह से ऐसे देखने को मिलेगा ऐसे, और यहाँ से इस तरह से देखने को मिलेगा इससे, देखिएगा टैब, तो ये खाली टैबवा का आप दबाइएगा ना तो एक कॉलम से दूसरा कॉलम में चल जाएगा। ये इतना ही नहीं, अभी ऐसा थोड़ी ना कि आपको सेल पॉइंटर मतलब कि एम एस एक्सेल में रहेगा वो खाली वही काम करेगा, फॉर्म भरते हैं ना तो फॉर्म भरिएगा तो देखिए आपको नेम लिखने के लिए आएगा, फादर्स नेम लिखने के लिए आएगा, मदर्स नेम लिखने के लिए आएगा, डेट ऑफ बर्थ में मंथ डेट ईयर लिखने के लिए आता, तो एक कॉलम से दूसरा कॉलम में जाना, तो आप क्या करते हैं माउस के मदद से वो बॉक्स में जाकर क्लिक करते हैं, आप टैब बटन दबा के देखिएगा, टैब दबाइएगा तो एक से दूसरा में पहुंच जाइएगा, अगर हॉरिजॉन्टली होगा तो एक बॉक्स से दूसरा बॉक्स में, दूसरा से फिर नीचे पहुंच जाएगा, नीचे से आगे बढ़ जाएगा, दबा के देखिए आप टैब के मदद से एक सेल पॉइंटर से दूसरे सेल पॉइंटर में आप जा सकते हैं टैब के मदद, ऑप्शन नंबर। HTML इज व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज, तो HTML क्या है, HTML एक प्रकार का, HTML का फुल फॉर्म क्या बताया था, हाइपर टेक्स्ट
मार्कअप लैंग्वेज, एक प्रकार का मार्कअप, मेकअप नहीं ना, ध्यान से समझिएगा, मार्कअप और मेकअप बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी आपको यहाँ पे, इसीलिए मार्कअप लैंग्वेज थोड़ा सोच समझ के, नहीं तो मेकअप लैंग्वेज भी दे देगा फर्स्ट फर्स्ट जाइए। द ईयर इन विच एच टी एम एल वॉज फर्स्ट प्रपोज, 1990 में। तो फर्स्ट फर्स्ट बार एच टी एम एल, फर्स्ट बार जो एच टी एम एल प्रोपोज किया गया था ना, वो कब किया गया था, कौन सा साल में, 1990 में किया गया था इंट्रोड्यूस। और देखिए 1990 में किया गया था और इन्हें 10 साल 2020, फिर इधर 20 साल, 20 और 3 23 साल और 33 साल के अंदर ना पूरा एच टी एम एल, पूरा गूगल पूरा भर गया है। और अभी दिन प्रतिदिन और इतना पॉपुलर भी हो गया कि हर एक आदमी अब ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन, बहुत ये काम का चीज। फंडामेंटल एच टी एम एल ब्लॉक इज नॉन एज, तो एच टी एम एल का जो फंडामेंटल ब्लॉक होता है उसको जनरली हम लोग एच टी एम एल टैग के नाम से जानते हैं। एच टी एम एल बॉडी नहीं, एच टी एम एल एट्रीब्यूट नहीं, एलिमेंट नहीं, तो एच टी एम एल टैग के नाम से जानते हैं। थोड़ा टैग याद रखना है। एच टी एम एल स्टैंड फॉर एच टी एम एल किसकी बात करते हैं, तो एच टी एम एल का भी फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फर्स्ट है इसका, हाई टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज नहीं, हाइपर टेबुलर मार्कअप लैंग्वेज नहीं, नॉन ऑफ द हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आज का जो सेशन रहेगा, आज का सेशन में आज का सेशन में हम लोग 25 एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे, 20 हर एक सेशन में आपको 25 देखने को मिलेगा एमसीक्यू। और अब सब्जेक्टिव का जो सेशन है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब थोड़ा ज़्यादा इंक्लूड करेंगे अभी, थोड़ा सा धीरे धीरे धीरे, क्योंकि सब्जेक्टिव एक ऐसा चीज़ है ना जिसमें मेरे को अच्छे से समझानी पड़ेगी आपको, थोड़ा वो समय लेती है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको सब्जेक्टिव भी हर एक सेशन में कम से कम 3-4-5 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवा, जितना भी अभी करवाएंगे सारा का सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस अभी करवाएंगे, पढ़ लीजिएगा बढ़िया से, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस का बहुत ज़्यादा योगदान है आपके एग्जाम। तो आज का सेशन कैसा लगा सब लोग जरूर एक बार कॉमेंट करके बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आई टी सिस्टम समझ में आया या नहीं आया, क्योंकि इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहती है। अगर आईटी सिस्टम आपको इसी तरह से समझ में आ रही है तो आप मेरे को जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि हम अगला जो लेक्चर आएगी वो थोड़ा सा अगर समझ में आ जा रही है तो हम लोग इसी तरह से कोशिश करेंगे कि और अलग अलग सेशंस में और बेहतरीन तरीका से कवर करवाएं। एक बार ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। जाते जाते सब लोग वीडियोज़ को लाइक करते हुए जाएगा, जो भी नए लोग हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।